राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए और पालक का साग। तो चलो करते हैं शुरू। बथुआ और पालक उबाल लिए है अच्छी तरह से, और अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल। ये मैंने एक चम्मच डाला ऑयल, ये देखो जी मेरा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस हैंड ब्लेंडर का यही फायदा है कि इसमें ज़्यादा बर्तन जूठे नहीं करने पड़ते। जिसमें ये किया उसी में कर लेते हैं, जिसमें ये होता उसी में कर लेते हैं। और वहाँ पर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी राई, इन सब चीजों को पकने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को पकने तक मैं इसके अंदर डाल दूँ सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और ये जीरा पाउडर। अब इन सभी का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। टमाटर गलने तक मैं इसे कुछ देर के लिए ढक्कन छोड़ दे, तब तक मैं इस कुकर लेती हूँ साफ, थोड़ा पानी डाल के। और मैं इसको इसी टाइम पर धो के रख दूंगी, ये जाम हो जाएगी इसके अंदर, है ना ये वाला, ये बिल्कुल जाम हो जाएगा। चलो जी देखते हैं। ये देखो जी टमाटर बहुत ही अच्छे पक्के तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मिक्स, और थोड़ा सा पानी डाल के इला के वो भी डाल दिया मैंने। इसे थोड़ी देर तक ढककर ओल छोड़ देंगे
तब इसमें उबाल आए तब तक तो इसे ढक देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, और बेसन को मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। तीन से और तीन चम्मच डाला मैंने बेसन, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये दूध। बेसन को और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखो जी, मेरा दूध और मिश्रण बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। आप इसको हाथ से या चम्मच से या मथनी से और किसी चीज़ से मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैंने हैंड ब्लेंडर से मिक्स किया है। ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और अब देखते हैं सब्जी को। ये देखो जी, बहुत ही अच्छा उबाल आया है सब्जी में, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो हमने मिक्स किया था दूध और बेसन वो। तो चलो गैस कुकर देती हूँ एक बार सिम पे, लो पे, और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा डालते जाऊँगी और हिलाती जाऊँगी। एक बार मैं इसके अंदर ये डाल के और हिला के वापस डाल दूँ फिर से, और इसको अच्छे से हिलाना है। जब तक इसमें उबाल, गैस को मैं कर देती हूँ फुल, और जब तक उबाल आता है तब तक इसको अच्छे से हिलाते जाना है। जिस तरह हम कड्डी में उबाल आता है तब तक इसके हिलाते हैं, वैसे ही इसे भी। ये देखो जी, इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। अब इसको कम से 5 से 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दें, ढक कर उबाल ले अच्छी तरह से। मेसन है ना, मेसन को पकते टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे ढक देती हूँ और 5 मिनट के बाद ही चेक करती हूँ। ये देखो बहुत ही अच्छा उबाल आया है। ये देखो जी, मेरी सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र। ये देखो, इसे 5 से 10 मिनट हो गए और बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके। बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखो जी, मेरी सब्जी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। और प्लीज़ आप भी ट्राई करके देखना, अगर अब तक आपने ये सब्जी ट्राई करके नहीं देखी है तो। और कौन, ये देखो जी, मेरी सब्जी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। और प्लीज़ आप भी ट्राई करके देखना, अगर अब तक आपने ये सब्जी ट्राई करके नहीं देखी है तो। और कौन, अगर आपको मेरी ये सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और लाइक के साथ कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि सब्जी कैसी बनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू जी।